बालासोर रेल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गोरखा रोड डिवीजन के डीआरएम रिंकेश रे ने सिस्टम से छेड़छाड़ करने की आशंका जाहिर की है। डीआरएम के मुताबिक किसी ने जानबूझकर सिस्टम से छेड़खानी की है। डेटा लॉकर के मुताबिक हादसे से पहले सिग्नल ग्रीन था, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बालासोर रेल हादसे से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। यहां पर कोरदा रोड डिवीजन के डीआरएम रिंकेश रे ने सिस्टम से छेड़छाड़ करने की आशंका जाहिर की है। डीआरएम के मुताबिक किसी ने जानबूझकर सिस्टम से छेड़खानी की थी। सिग्नल ग्रीन मिल रहा था मेन लाइन में, तो सिग्नल जब मिलता है तो उसका प्री कंडीशंस जो होता है, रूट सही से सेट हुआ, सब कुछ ठीक है, तभी जाके सिग्नल ग्रीन होता है। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ में गड़बड़ी है तो सिग्नल कभी भी टेक्निकली ग्रीन हो ही नहीं सकता है, तो वो लाल हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल कोई उसको टेम्पर ना करे, मतलब कोई फिजिकली जाके उसको टेम्पर ना करे। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच के आदेश पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए और इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सीबीआई का काम अपराध की जांच करना है, न कि रेल हादसे की। इसमें सीबीआई कहां आ जाती है? सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस वगैरह के लिए होती है। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच के आदेश पर सियासत गरमाई तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हम जिम्मेवारी देते हैं। विपक्ष का तर्क है कि रेलवे की तकनीकी टीम मामले की जांच कर सकती है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को देना उसके गले नहीं उतर रहा। बालासोर रेल हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साजिश का आरोप लगाया, साथ ही रेलवे के दो बड़े अफसरों की बातचीत टैप किए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता ने ट्विटर पर रेलवे के दो अधिकारियों की बातचीत का एक कॉल रिकॉर्ड साझा किया है, जहां रेलवे के दो अधिकारी बोल रहे हैं इसकी जांच की जानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि दोनों रेल अधिकारियों की बातचीत इन्हें कैसे पता चली, इसके पीछे क्या साजिश है? ये टीएमसी की साजिश है। टीएमसी का चिंता का बात क्या? ये लोग ने दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन का पुलिस को द्वारा फोन टैप किया और ट्विटर में डाल दिया। दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन कैसे ये लोग का पता चल रहा है? इसका पीछे क्या है? साजिश है, टीएमसी का साजिश है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इसको अंदर ये कॉन्वर्सेशन कैसे लीक हुआ वो भी आना चाहिए। इधर 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने शोक जाहिर किया है। किंग चार्ल्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक शोक संदेश भेजा, जिसमें हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही अपनी ओडिशा यात्रा को भी याद किया। असल में किंग चार्ल्स 1980 में ओडिशा की यात्रा पर आए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अनाथ आश्रम में बच्चों की पिटाई करने के आरोप में उस